तू भी बोल दे विपिन अपनी मनोकामना। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, देखिए ये है बहुत पुराना शिव जी जी का मंदिर, और ये देखिए दूर दूर तक कोई गांव घर नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ये भरे जंगल में मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे ना सच में नाग देवता निकले थे, और वो यहाँ पे जब मर गए थे तो उनकी समाधि बनाई गई थी। ये मंदिर तभी बनाया था। और लास्ट वीडियो नहीं देखी तो गाइस वो ज़रूर देखना जाके, जो मैं अपनी हम दीदी को देख के आ रहे हैं अभी, उनको चोट लगी थी तो वहाँ गए थे, तो हम रस्ते में ही पड़ता है ये, तो हम उतर गए थे यहाँ दर्शन करने के लिए। और मैं आपको कराती हूँ अभी दर्शन, जो सच में यहाँ नाग निकले थे। यहाँ पे ना बहुत लोग दूध पिलाने भी आते थे उनको सब, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, मैं दिखाती हूँ आपको। और गाइस यहाँ पे देखिए सावन स्टार्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे भंडारे भी होंगे, बहुत भीड़ होती है भंडारे में। बाकी अभी स्टार्टिंग ही है सावन की, तो अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब स्टार्ट हो जाएंगे भंडारे वगैरह। और ये मंदिर है बहुत वैसा ही है, लेकिन बहुत मानता है इस मंदिर की, तो चलिए दर्शन कर लेते हैं गाइस। हाँ 20 चढ़ाऊंगी ना तो कुछ दान पेटी में। रंजना सो गाइज़, देखिए ये है मंदिर की एंट्री, जहाँ पे शिवलिंग और नंदी जी हैं। और यहाँ पे पूजा करने के बाद वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे नाग देवता निकले थे, जहाँ उनकी समाधि बनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखिए नंदी, जब हम शिव जी की पूजा करने के बाद ना, ऐसे नंदी के कान में जब मनोकामना हम बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि भगवान शिव जी जी के बहुत प्रिय हैं नंदी जी, तो जो भी आप मनोकामना बोलते हैं वो शिव जी जी तक जाती है जल्दी। और शिव जी नंदी जी की, मतलब शिव जी जी की पूजा करने के बाद आप कान में मनोकामना बोलिए, और जब मनोकामना बोलें ये तो ये दूसरे कान को बंद कर लें, और किसी के बारे में बुरा ना बोलें, बस अपनी मनोकामना कहें अपने लिए, किसी का बुरा ना सोचे ना करने के लिए। ऐसी कोई मनोकामना नहीं मानी जाती है, ऐसा माने जाता है, तो अपनी मनोकामना। अच्छा सो गाइज, देखिए यहाँ पे दर्शन कर लिए हमने। और यहाँ पे देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है, तो बहुत सारे सब भगवान जी बैठा रखे हैं। और ये देखिए जंगल जंगल है पूरे में, कहीं भी कोई आपको घर नहीं दिखाई दे रहा, तो बहुत अच्छा भी लगता है, यहाँ आके रिलैक्स मिलता है। तो अभी हम चल रहे हैं जहाँ पे नाग देवता निकले थे और उनकी समाधि बनाई गई है जहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे पूरा ग्राउंड था जब निकले थे शिव जी जी, जब नाग देवता निकले थे सॉरी, तब वहाँ दूध पिलाने आते थे, पूरा रेत ही रेत था यहाँ पे। अब उसी जगह पे पूरा मंदिर बना दिया है। तो चलिए गाइस मैं दर्शन कराती हूँ आपको, मंदिर से बाहर निकल के उधर जाना होगा, अलग से उनका एक स्थान बनाया गया है पूरा। चलो उधर चलो। तो गाइस देखिए मेरा बेटा फिर से बोल के आया, मनोकामना बोल रहा है कि मैंने ना कान सींग पे बोल दिया, कान समझ के उसने सींग पे बोल दिया, तो फिर से बोल के आया। और गाइस हम चलते हैं अभी वहाँ पे जहाँ पे हमारे नाग देवता की समाधि बनाई गई है, जहाँ पे वो नाग देवता निकले थे। मेंटेन नहीं कर रहा था, बहुत गंदा वैसा कर रहा था। ये असली वाली शिवलिंग है, बहुत अच्छा पत्थर है ये, पुराना जितना भी है। नहीं मिलते अभी तो बहुत। हाँ व्हाइट व्हाइट कलर के मिलते हैं।
सो गाइस देखिए ये हैं वो समाधि जहाँ पे नाग देवता निकले थे, सच्ची के नाग देवता थे यहाँ पे और काफ़ी दिन तक रहे, दूध पिलाने आते थे लोग बहुत दूर दूर से, और हम भी आए थे, हम बहुत छोटे थे जब तो, लेकिन मुझे इतना याद है, हाँ पूरा रेत था और रेतों की ढेरियाँ बनी हुई थी, उसके बीच में से निकले हुए थे नाग देवता, तो दूध पिलाते थे लोग यहाँ पे आके। और गाइस देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए जय भोलेनाथ और बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। सो गाइस देखिए दर्शन हो चुके हैं, हम आ गए बाहर, 6:30 का टाइम हो रहा है, हम 5 बजे चले थे दीदी के यहाँ से, और वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दोनों में दे दूँगी। और गाइस आपको मंदिर कैसा लिखा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा लिख के। और गाइस पता है यहाँ पे सावन में बड़ी रौनक लगी रहती, मेरा बड़ा मन है, अभी स्टार्टिंग है ना, अब शुरू हो जाएंगे यहाँ पे भंडारे वगैरह चलने सावन में, तो वीडियो पसंद आई हो तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर जय भोलेनाथ लिखिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी।